हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला क्वीन। तो आज हम बनाने वाले हैं दही वड़ा। होली का त्यौहार आ रहा है तो इसके लिए स्पेशल डिश। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं दही वड़ा। तो दही वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये उड़द दाल। मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द दाल लिया है, जिसे अच्छी तरह से रात को मतलब फूलने के लिए दे दिया था और काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो चुका है। तो अब ये हम क्या करते हैं, मिक्सर के जार में डालते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्सर के जार में डाल दिया है उड़द दाल को, और इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दिया है और इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे दाल जितने भी आपने लिए हैं उसे पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। तो अब इसे क्या कहते हैं, ये पेस्ट को थोड़ा सा मत लेते, मतलब एक चम्मच के चम्मच से इसे थोड़ा सा रोल रोल घुमा के गोल गोल से अच्छी तरह से कर लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से फेट जाए। और इसमें थोड़ा सा डालते हैं हरी मिर्च और थोड़ा सा हरी धनिया पत्ता। डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका से बनाइएगा तो आपको काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मज़ेदार लगेगा आपका दही वड़ा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, गैस पे एक कढ़ाई को रख दिया है, उसमें डाल दिया है तेल ऑयल और इसे गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद हम इसे गोल गोल हाथों की मदद से बना लेंगे बड़ा के जैसा। तो यहाँ पे मैं जितना भी बना के रखी हूँ उड़द दाल का पेस्ट, उसे पहले बना लेती हूँ बड़ी के जैसा और गोल गोल बड़ा के जैसा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसी तरीके से बनाना है। और आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, ज़्यादा हाई ना करें। तो दोस्तों, देखिए कितना अच्छा से ये पूरा अच्छी तरीके से बड़ा बन चुका है। तो इतना ही, बस गोल्डन ब्राउन हो उसे निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं जितने भी पेस्ट बना के रखी हूँ दोस्तों, उसे भी मैं बना लूँगी। होली में तो खासकर इस तरीके से बनता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दो तरह से और एक तरह से बड़ा बना के दिखा दे रही हूँ, जिसमें अंदर मतलब बीच में होल रहता है। वो एक सिंपल था, सिंपल वाला था, जो गोल गोल बड़ा बना सकते हैं, और इस तरीके से भी आप बड़ा बना सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप बनाएं, ये भी टेस्ट तो सेम ही है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये जो बीच में होल रहता है वो वाला बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसे मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे छान के निकाल लूँगी। तो दोस्तों, देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आप जितने भी बचे हुए बड़े हैं मतलब पेस्ट हैं, उसका बड़ा बना लें। और मेरा भी बड़ा अब हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है, आपके पास जो भी हो अगर तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसे घोल दे रही हूँ, ताकि पानी के साथ मिक्स हो जाइए। और इसमें हम डाल देंगे बड़ा जो हमने अभी रखा बना के। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सारे बड़े को इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि सारे बड़े के अंदर नमक चला जाए। तो दोस्तों, इस तरह से पानी में डुबो कर छोड़ देंगे। अब इधर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ दही लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। मैंने चीनी डाल दिया है दोस्तों, और इसमें हल्का सा डालेंगे काला नमक। तो काला नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। तो दही में मैंने डाल दिया है चीनी और नमक, और इसे कर देते हैं मिक्स। और अगर आपके पास ये फेटने वाला हो तो इससे भी आप फेट सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा दही जो है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट आ गया है, अच्छे से मिल चुका है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ मसाला डालेंगे। चटनी भी है मैंने बना के रखा है, ये खट्टा मीठा चटनी है, और ये आपका हरी चटनी है। तो इसमें धनिया पत्ता और मिर्ची से बनाया है, और मीठा चटनी में मैंने इमली और गुड़ का यूज़ किया है। दोस्तों, ये मसाला है, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब मिक्स करके, और काला नमक लिया है, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाला है उसमें। तो दोस्तों, इसे पहले हम निकाल लेते हैं हाथों की मदद से। क्या करते हैं, सारे पानी जो भी इसमें अंदर गया है ना, उसे निकाल देते हैं बड़ा का। तो इस तरीके से आप निकाल दें।
चलिए अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा बड़ा बिल्कुल अच्छे से रेडी है, तो इस पे हम डाल देते हैं दही जो कि हमने फेंट के अभी रखा था। तो लीजिए हमारा दही बिल्कुल अच्छे तरीके से बड़ा के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये चटनी, ये हरा चटनी। तो थोड़ा सा हरा चटनी डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा मीठा चटनी डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मसाला जो हमने मिक्स करके रखा है, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर ये सब मिला के रखा है वो पाउडर डाल देंगे, और इस पे नमक डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप दही बाड़ा घर पर बना सकते हैं, और होली के त्यौहार पे तो बनाया ही जाता है। इसे ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, और अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश कर पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इंजॉय कीजिए दही बाड़े के साथ, और हैप्पी होली पहले से ही बोल दे रहे हैं। और आपको डिश पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि आपको दही बाड़ा कैसा लगा, और इस तरीके से ही बनाए, और एक भी वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको फुल प्रोसेस फुल स्टेप दिखे। तो दोस्तों हमारा दही बाड़ा बन के बिल्कुल रेडी है, इसे ट्राई करें, इंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।